हेलो नमस्कार दोस्तों। बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपनी बाइक को चलाना कैसे सीखें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सर्वप्रथम हम अपना इसके स्विच को समझ लेते हैं। देखिए इसका स्विच, जैसे ही आप पैडल को एक साइड घुमाएंगे, पूरा दबाकर घुमाएंगे, तो ये आपका लॉक हो जाएगा। ऑफ के बाद लॉक होगा, उसके बाद दबाकर वापस घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने से ये आपका ऑफ पर आ जाएगा, यानी लॉक खुल गया। अब एक बार और घुमाएंगे तो ये आपका स्विच ऑन हो गया है। अब इसकी गियर की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपके चार गियर लगते हैं। तो आप जैसे अपना ऐसे पीछे दबाएंगे तो 1 2 3 4, और आगे दबाने से आपके गियर इसमें निकलेंगे, ठीक है। अब देखिए आजकल की जो नई बाइक आ रही है, उनमें साइड स्टैंड सेंसर लगा होता है। जैसे आप साइड स्टैंड नीचे करके रखेंगे, इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन दबाया, क्लच दबाया, एक गियर पीछे लगाया, तो ये बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि आपका साइड स्टैंड नीचे है। तो हमें रवाना करने से पहले अपना साइड स्टैंड ऊपर उठाना पड़ेगा। अब जैसे हमारा बाइक गियर में ही है और इसको स्टार्ट करना है, कैसे करेंगे? साइड स्टैंड ऊपर कर रखा है, क्लच दबाना है और इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन दबाना है, तो ये आपका गियर में स्टार्ट हो जाएगा। रवाना करने का तरीका सीख लो। देखिए आपका क्लच का फंक्शन, देखिए क्लच यहाँ तक फ्री है। क्लच में आपका एक पॉइंट आता है जहाँ पे बाइक आपका आगे बढ़ने का कोशिश करता है, इस पॉइंट पर लाकर अपने को क्लच को पकड़े रखना, होल्ड कर देना है। फिर क्या करेंगे, हल्का रेस बढ़ाएंगे और रेस उतना ही फिक्स करके रखना है। नए राइडर क्या करते हैं, रेस बढ़ाते ही जाते हैं, बढ़ाते ही जाते हैं, वो ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है, हल्का और क्लच को हम आगे जाने देंगे तो आपका बाइक ऑटोमेटिक रवाना होना शुरू हो जाएगा। जैसे पूरी तरीके से रवाना हो गया तो मैंने मेरा क्लच पूरा छोड़ दिया और पैर दोनों ऊपर उठा लिए हैं। अब क्या करेंगे, क्लच दबाएंगे, रेस कम करेंगे और एक गियर पीछे दबा देना है, ठीक है। अब मेरा बाइक 2 नंबर में चल रहा है, थोड़ा मैं रेस और बढ़ाऊंगा। जैसे 20 का स्पीड हो गया तो मैं क्या किया, एक गियर और पीछे दबा दिया है, ठीक है, आसान है। फिर मैंने रेस बढ़ाया है और मैं अब इसको 30 प्लस स्पीड में लेके जाऊंगा, क्योंकि आपको अपना टॉप गियर 30 की प्लस की स्पीड में लगाना है। जैसे 30 प्लस स्पीड में आ गया है तो आपका 4 नंबर लगेगा, क्योंकि इसमें 4 नंबर के लिए जो मिनिमम स्पीड रिक्वायरमेंट है इस बाइक में वो 30 की है। कुछ बाइक में मिनिमम स्पीड रिक्वायरमेंट 40 की रहती है, और जो 5 गियर की बाइक है उसमें 5वां गियर आपका 40 प्लस की स्पीड में ही लगता है। अब जैसे चढ़ाई आ गई, बाइक का इंजन दब रहा है, मैं क्या करूँगा, एक गियर निकाल दूंगा, ठीक है। अभी 3 नंबर में आ गया, क्यों लगाया 3 नंबर, क्योंकि चढ़ाई स्पीड टूट रही है, तो वापस स्पीड बढ़ाएंगे। जैसे चढ़ाई पार हो गई है तो वापस मैंने अपना गियर लगा दिया। तो अपनी स्पीड के हिसाब से गियर को लगा कर चलना है, और ध्यान क्या रखना है, स्पीड कम हो गई तो गियर निकालो थोड़ा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आपका बाइक का इंजन की परफॉर्मेंस घट जाएगी, आपकी बाइक इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी। मैंने अपने को बाइक के गियर अपनी स्पीड के अनुसार ही लगा कर रखने हैं, यानी स्पीड ज़्यादा होगी गियर लगा देंगे, स्पीड कम होगी तो गियर निकाल देंगे। अब जैसे रोकना होता है तो हम क्या करते हैं, अब सरफ हम अपना रेस थोड़ा कम करते हैं और पीछे का ब्रेक दबा कर रखते हैं, और फिर धीरे हो गया तो मैंने क्लच दबा दिया और पीछे का ब्रेक देखिए तब तक दबा कर रखा है जब तक मेरा बाइक पूरा नहीं रुक जाता है। नए राइडर क्या करते हैं भाई, बाइक थोड़ा धीरे हुआ, पीछे का ब्रेक छोड़ देंगे और बाइक को ऐसे पैरों से रोकने का प्रयास करेंगे, पैरों से नहीं रुकेगी, और वो किसी के अंदर जाकर गिर जाते हैं और ऐसे करके दुर्घटना हो जाती है। तो ध्यान क्या रखना है, पीछे का ब्रेक उतना ही दबाना है जिससे कि पीछे का चक्का जाम ना हो, और पीछे का ब्रेक तब तक दबा कर रखना है जब तक बाइक हमारा पूरी तरीके से रुक नहीं जाता है। ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखकर चलने हैं। फाइनली वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। इस तरीके के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें। धन्यवाद।